अग्निवीर योजना ने ये तीनों के तीनों वायदे तोड़ दिए हैं। कहती भैया 80,000 तो नहीं लेंगे, 40,000 लेंगे। पेंशन देते थे, अब नहीं दोगे, हमारा भविष्य बर्बाद कर दिया। ये अग्निवीर योजना मुझे पहले समझा दो, ये है क्या? जो सेना में भर्ती होने के लिए रनिंग की प्रैक्टिस करता है वो कितने बजे उठता है? 4 बजे। और ऐसे लाखों युवा सपना देखते हैं, तिरंगे की रक्षा करने का सपना। उनमें से पहले 80,000, तकरीबन हर साल 80,000 चुने जाते थे। कोई अरुणाचल जाता था, कोई जम्मू कश्मीर, कोई राजस्थान, कोई लद्दाख, कोई ठंड में, रेगिस्तान में, बारिश में, अपनी पूरी की पूरी जिंदगी, बच्चे, परिवार, माता पिता, सब कुछ परे करके बॉर्डर पे जाके खड़ा हो जाता था। वो बॉर्डर पे खड़े होते थे, वहां पे तूफान आ जाए, बर्फ गिर जाए, गोली लग जाए, बम फट जाए, कुछ नहीं, देश के लिए अपना खून देने के लिए 80,000 युवा हर साल सेना में भर्ती होते थे। अब उनको पहले सेना क्या देती थी? सबसे पहले सेना उनसे कहती थी, देखो एक दिन ऐसा आ सकता है जब आपको हिंदुस्तान के लिए लड़ना पड़ेगा, शायद आपको शहीद होना पड़ेगा, मगर हम आपको एक बात की गारंटी देंगे कि दुनिया में सबसे बेहतर ट्रेनिंग हिंदुस्तान की सेना को, वायुसेना को, नेवी को हम देंगे। दूसरा वायदा, 15 साल आपको सर्विस मिलेगी, अगर आपको इतनी सी भी चोट लगी हम आपकी रक्षा करेंगे। तीसरा वायदा, आपने इस देश के लिए अपना पूरी की पूरी आपने जिंदगी दी, आपने अपने बच्चे दे दिए, माता पिता दे दिए, परिवार दे दिया, अपने सारे के सारे सपने दे दिए इस तिरंगे को रक्षा करने के लिए, ठीक है हम आपको पेंशन देंगे। जब आप गांव में वापस जाओगे तो हम आपको एक्स सर्विसमैन कह के हम आपको गांव भेजेंगे कि आपको वहां पे, चाहे आप शहर में रहो चाहे आप गांव में रहो, जब हिंदुस्तान की बाकी जनता आपकी ओर देखे वो कहे कि इस व्यक्ति ने वो किया जो मैंने नहीं किया, इस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी इस देश को दी, अपना खून इस देश को दिया, अपने सपने इस देश को दिए, और इसीलिए मैं इस व्यक्ति का आदर करूंगा, इसका रिस्पेक्ट करूंगा। ये तीन वायदे हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की जनता अपनी सेना, अपनी वायु सेना और अपनी नेवी के हर व्यक्ति को देती। अब अग्निवीर योजना ने ये तीनों के तीनों वायदे तोड़ दिए हैं। अग्निवीर योजना क्या कहती है? उन्हीं 70,000, उन्हीं लाखों युवाओं से कहती भैया 80,000 तो नहीं लेंगे, 40,000 लेंगे। और वो जो 15 साल की बात थी, वो जो सर्विस की बात थी, उसे भूल जाओ। 4 साल बाद हम 75% को वापस भेज देंगे, निकाल देंगे, बस 25% हम रखेंगे, 25% को हम रखेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे, आप लोग जाइए बेरोजगार हो जाइए। अच्छा, जो पहले हम ट्रेनिंग देते थे, जो सैनिक को तैयार करने में 5, 10, 15 साल लगते हैं, जो टाइम लगता है उसको भूल जाइए, सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग की जरूरत है, 4 साल बाद घर वापसी। पेंशन देते थे, अब नहीं दोगे। तो ये वायदे नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने तोड़े हैं। जब मैं ये बात उठाता हूं तो कहते हैं मैं सेना के विरोध बात कर रहा हूं, मैं सेना की रक्षा कर रहा हूं, मैं सेना का आदर कर रहा हूं। और भाइयों बहनों, एक और बात, जब वो युवा सड़क पर दौड़ते हैं, लाखों लाखों दौड़े, जब उन्होंने सरकार से कहा, जब उन्होंने कहा सरकार से कि भैया ये अग्निवीर योजना हमें अच्छी नहीं लगी, हम आर्मी में देश की रक्षा करना चाहते हैं, तो फिर सरकार ने क्या किया आप जानते हो? सरकार ने कहा कि इनके अगर चेहरे कैमरा पे आ गए, जो धरना दे रहे थे, अगर इनके चेहरे कैमरा पे आ गए तो इनको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। और धमकाया उनको कि बाहर मत आओ, अग्निवीर के बारे में सच्चाई मत बोलो, नहीं तो तुम्हें सरकारी रोजगार नहीं मिलेगा। मैं चला हूं 3,000 किलोमीटर चला हूं, वो सारे के सारे युवा मुझसे मिल रहे हैं, सारे के सारे कह रहे हैं कि हमारा सपना तोड़ दिया, हमारा भविष्य बर्बाद कर दिया। छुपाई नहीं जा सकती बात, सेना को 10% हरियाणा लोग देते हैं, आप देते हो, हरियाणा का हर युवा जानता है अग्निवीर का मतलब, हर युवा जानता है, हर सैनिक जानता है, यह सच्चाई है।